चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ करंट इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू दिस एम्पियर वेयर टी इज इक्वल टू टी इज इन सेकंड द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट इज 9 मिली वोल्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे एनर्जी कितनी स्टोर होती है तो इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर होती है तो इसमें एल तो दिया नहीं है तो आपको एल निकालना होगा तो ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी तो इसको मैग्नीट्यूड टर्म में अगर लिखें मॉड ले लें तो एल डी आई बाई डी टी होगा। अब आई की वैल्यू क्या दिया हुआ है? आई की वैल्यू है 2 प्लस 3 टी। अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा? इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो 0 प्लस 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा? डी आई बाई डी टी की वैल्यू 3 आ जाएगी, करेक्ट है। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे और ई इंड्यूस ई एम एफ कितना है? 9 मिली वोल्ट, तो वोल्ट में 10 टू पावर माइनस 3 हो जाएगा। L की वैल्यू निकालना है, डी आई बाई डी टी की वैल्यू 3 आ गई तो L इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 क्या आया? हेनरी आया, हेनरी है। L की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है, ठीक। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखना है 1/2 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। करंट आपको t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे चाहिए तो I की वैल्यू है 2 प्लस 3 टी तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 3 इंटू 1 यानी 5 एम्पियर हो जाएगी। ये 5 एम्पियर यहाँ रख दें हम, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 इंटू 3 75 होगा, 75/2 इंटू 10 पावर माइनस 3 ये 37.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 जूल होगा। जूल को मिली जूल में कन्वर्ट करें क्योंकि सारे ऑप्शन मिली जूल में है तो 37.5 मिली जूल ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी 37.5। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।